काले राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा, पीकर भांग किसी चूहे ने, हाँ भैया पीकर भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा। सोशल मीडिया पर जोधपुर कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार वैभव गहलोत का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए वैभव गहलोत को जातिवाद से जोड़कर दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की उम्र ज्यादा बड़ी नहीं होती। इस वीडियो की ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने बीजेपी की पोल खोल दी है, और पोल भी ऐसी खुली है जिसे सुनकर हर कोई भाजपा के नेताओं का मजाक बना रहा है। देखिए भाजपा के झूठ पर द एंगल का स्टिंग सबूतों के साथ। सबूतों के साथ भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश, भाजपा की ओछी राजनीति, किसी और के वीडियो को वैभव गहलोत के नाम से किया प्रचारित, वैभव गहलोत की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र। देखिए कैसे खुली भाजपा की पोल। हाल ही में सोशल मीडिया पर वैभव गहलोत के नाम से एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें कथित वैभव माली जाति को प्रमुखता देने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब द एंगल ने इसकी पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई उसे सुनकर बीजेपी नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। जी हाँ, दरअसल ये वीडियो वैभव का है ही नहीं। दरअसल वीडियो में जिस शख्स को वैभव गहलोत बताया जा रहा है वो वैभव गहलोत नहीं है, बल्कि द एंगल की टीम इस वीडियो की पड़ताल करते हुए जब उस शख्स तक पहुंची जो इस वीडियो में बोल रहा है, तो सुनिए खुद उस शख्स की जुबानी, उसने बताया इस वीडियो का सच। मुझे सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ कि दिनांक 18 अप्रैल को जोधपुर में माली युवा समागम का जो कार्यक्रम था उसमें मेरे उद्बोधन को कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग वैभव गहलोत जी के नाम से प्रचारित कर रहे, तो मैं इस बात का खंडन करता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिनांक 18 अप्रैल को आयोजित ये कार्यक्रम एक सामाजिक स्तर का कार्यक्रम था। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी पार्टी के झंडे बैनर या कोई इसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं था। इसमें समाज उत्थान को लेकर विभिन्न वक्ता अपनी अपनी बात कर रहे थे, उसमें मैं भी अपनी बात कह रहा था, जिसके एक छोटे से पार्ट को काट कर वैभव गहलोत जी के नाम से प्रचारित किया जा रहा है और उन पर जातिवाद की छाप लगाई जा रही है, जिसका मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। देखा आपने, ये वीडियो 18 अप्रैल का है। दरअसल माली युवा समागम का ये कार्यक्रम था जिसमें माली समाज के लोग एकत्रित थे और समाज के उत्थान के लिए अपनी अपनी राय रख रहे थे। इसी दिन इस शख्स के भाषण की एक लाइन को लेकर वैभव गहलोत के नाम से वायरल कर दिया गया, जबकि वैभव गहलोत खुद इस कार्यक्रम में मौजूद ही नहीं थे। किसी के साथ में भला हो सकता है तो माली के बेटे का पहले भला करूंगा, पूरे भारतवर्ष का तो करना ही है, लेकिन आज जो समय चल रहा है उसमें हमको मजबूती दिखानी पड़ेगी। भाजपा सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें फैलाने की फैक्ट्री चलाती है, लेकिन हद तो तब हो गई जब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने इसकी पुष्टि किए बिना ही इस खबर को प्रकाशित कर दिया। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद से भाजपा की इस कुंठित सोच के प्रति न सिर्फ आम जनता में नाराजगी है, बल्कि मीडिया की स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कैसे एक मीडिया हाउस बिना किसी खबर की पुष्टि किए इतनी बड़ी खबर को प्रकाशित कर सकता है, इसके लिए भी आम जनता में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। काले राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बिना टिकट के मुफ्त में हमने देखा खेल ये सारा, पीकर भांग किसी चूहे ने, हाँ भैया पीकर भांग किसी चूहे ने शेर को जा ललकारा।